शुक्रवार को हुए एनकाउंटर में विकास दुबे के मारे जाने के बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर फिल्मी सितारों तक की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ पर निशाने साधने शुरू कर दिए हैं और इन सबके बीच मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू मनु ने इस पूरे घटनाक्रम के लिए राजनीतिक गंदगी को जिम्मेदार ठहराया है। विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे की बहू मनु विकास के मारे जाने के बाद शुक्रवार को कहती है, नेता लोग सारे बच गए लेकिन उनके लिए काम करने वाले मारे जा रहे हैं। मनु कहती है, 2001 में हुए संतोष शुक्ला हत्याकांड के बाद ही विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता तो इतनी लाशें ना गिरती। बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों की मौत के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने प्रेम प्रकाश पांडे को मार गिराया। उसी दिन से प्रेम प्रकाश का बेटा शशिकांत पांडे गायब है। अब प्रेम प्रकाश पांडे की बहू मनु का कहना है, उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए उठाकर लेकर गई लेकिन वो अब तक लौटकर घर नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता मेरे पति कहाँ हैं, कैसे हैं। विकास दुबे की वजह से इस घर में अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं। संतोष शुक्ला कांड में भी विकास दुबे के साथ मेरे ससुर का नाम सामने आया था, तब उनकी ननद आरती की सदमे से मौत हो गई। ये बात उनके पति शशिकांत पांडे को सहन नहीं हुई और मेरे पति ने गांव छोड़ दिया। 14 साल से साबुन बनाने वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, कानपुर में रहते हैं। पुलिस वालों के साथ जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। विकास दुबे की गुंडई ने पूरे गाँव को तबाह कर दिया। उनके 2 बच्चे हैं, समझ नहीं आ रहा है इन्हें लेकर वो अकेले कहाँ जाएं। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।